हो गई। ऐसे एक प्रयत्न हमारे बंडी संजय जी कर रहे हैं, इसको मैं बधाई देती हूँ। करने का जरूरत इधर है। नरेंद्र मोदी जी 7 साल में क्या क्या प्रोग्राम दे रही है उसका पूरा उल्टा करके इधर नया नाम रखे तेलंगाना केसीआर गवर्नमेंट में कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात सीएम बनके क्या किया उसका मन में था किसान का आय को, किसान का आमदनी को दुगनी करना। उधर सीएम बनके वो करके दिखाया, 12 साल का इसका रूलिंग में वो करके दिखाया। अभी केंद्र में सरकार आने के बाद पूरे देश का किसानों का मदद करने के वो सोचा, इसलिए केंद्र में भी बताया हमारा देश किसान का देश है, गांव का देश है। 70% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन फार्मिंग एंड हमारा देश छोटा किसानों का देश भी है। 80% ऑफ द फार्मर्स दे आर स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये 80% किसान सोच रहे हैं किसानी खेती करना लाभदायक नहीं है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने सोचे ये छोटे किसानों का एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, इसके लिए फार्मर्स प्रोडक्शन एफओस के बारे में सोचा, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफओ, कृषि उत्पादक संघ, ऐसे बनाना, छोटा किसानों का इकट्ठा करना। 300 किसान इकट्ठा हुआ तो इसको एक एफओ बनाना, वो एफओ का केंद्र सरकार मदद करना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत अभी देश का बजट है 1,31,000 करोड़, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। आप कंपेयर करना 2013-14 का देश का किसानों का बजट 23,000 करोड़ था। यूपीए सरकार इलेक्शन ईयर में बजट दिया 23,000 करोड़, वो इलेक्शन जाने वाले थे 10 साल के बाद, इसका बजट था 23,000 करोड़। अभी 6 साल के बाद हमारा सरकार का यही साल का बजट है 1,23,000 करोड़ खेती के लिए एंड 8,500 करोड़ ICR के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। ऐसा 1,31,000 करोड़ का बजट पेश किया है यही साल में देश में। बहुत साल से हम सोच रहे थे, हम इतना बड़ा देश है, इतना उत्पादक हम कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने वाले देश में हम 10 में 10 के अंदर ही आना, ऐसे बहुत साल से हम सोच रहे थे, बट नहीं कर पाए। मुझे आज खुशी हो रहा है कि ये कहने को हम एक्सपोर्ट करने वाले, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करने वाले देश में हम 9वें स्थान पे है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी में कृषि क्षेत्र का भाग कितना है, 70 इयर्स में केवल 13.5% में हमारे जीडीपी का योगदान था। कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में केवल 13.5% था। अभी केवल 6 साल में जीडीपी में हमारा योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान 20.22% हो गया, 20.22% ऑफ जीडीपी में हमारे हिस्सा। ऐसा ग्रोथ कैसे हुआ, ऐसे मैजिक नहीं किया मोदी जी ने, मैजिक से नहीं हो रहे। क्या इधर केसीआर बता रहे हैं हम मैजिक कर रहे हैं, मैजिक से नहीं होता है, यह होता है काम से, प्रोग्राम से, पैसा देने से।
अभी किसान के लिए हम 131,000 क्रोस को क्या कर रहे हैं? वो तो मोदी जी कुछ उधर पैसा बांटते नहीं है, हर किसान का अकाउंट में हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हम 157,000 क्रोस पहुंचाया, डीबीटी के तहत पहुंचाया, डायरेक्ट बेनिफिट के तहत हम पहुंचाया 11 करोड़ किसानों का घर को, 157,000 क्रोस हम पहुंचाए हैं किसान सम्मान निधि के तहत। इधर भी तेलंगाना को भी 6,200 क्रोस किसानों का अकाउंट में पहुंचा है। इतना बड़ा ये पैसा दिया है हम केवल तीन साल में। मैं केसीआर गवर्नमेंट को पूछना चाहती हूं, पूरा देश में फसल बीमा योजना हो रहे हैं बट तेलंगाना में नहीं है, क्यों तेलंगाना में क्यों नहीं है? ये किसान बीमा योजना है सर, केंद्र सरकार सरलीकृत किया है, हर किसानों को उसका खेती का नुकसान होता है, तब तब नुकसान होता है, सूखा पड़ता है, बारिश ज्यादा आता है, खेती को नुकसान पहुंचता है, उसी समय वो बीज खरीदता है, फर्टिलाइजर करता है, वो खेती में काम करवाते हैं, वो तो नुकसान हो जाएगा, इसी से सुसाइड ज्यादा हो रहे हैं। इसके बारे में मोदी जी ने सोचा फसल बीमा योजना में शामिल करना, हर किसान को शामिल करना। ये मैं पहले राज्य देख रही हूं कि तेलंगाना में फसल बीमा योजना जारी नहीं है। इधर मैं आज प्रेजेंटेशन दिया कर्नाटक में कैसा फसल बीमा योजना जारी किया है, कैसे इसको सरलीकृत किया है। पहले हम हॉर्टिकल्चर अधिकारी को, एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स को, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को घर में 4 बार 5 बार 7 बार जाना पड़ता था, ऑफिसर आ जाओ मेरे खेती का सर्वे करो, मेरे खेती नुकसान हुआ है, ऐसे करना था। अभी कर्नाटक के एग्जाम्पल हम पूरे देश में दे रहे हैं। अभी हम लास्ट वीक सीएम के साथ मीटिंग था, हमारे तोमर साहब का, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का मीटिंग, सभी सीएम आए थे इंक्लूडिंग योगी, वो चुनाव जाने वाले स्टेट में योगी जी है, इतना बड़ा स्टेट वाले अच्छा कर रहे हैं, वो भी मीटिंग में आए, आपका सीएम नहीं आए थे, आपका सीएम नहीं शामिल हुआ था, आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आए थे। हम उसको बताया कर्नाटक में क्या फसल बीमा योजना जारी है, उधर क्या है, वो किसान इसका मोबाइल लेके खेती में खड़ा होना, उसका खेती में वो उसका मोबाइल लेके खड़ा होना, फोटो लेना खेती के साथ, एंड उसको एक ऐप बनाया हम, वो ऐप में फोटो अपलोड करना, इतना ही काम है, कोई अधिकारी का पीछे नहीं जाना, कोई अधिकारी को रिश्वत नहीं देना, कुछ ऐसा नहीं है, वो खुद किसान इसका फील्ड में खड़ा होना, फोटो लेना, फोटो को अपलोड करना, इसी में दाखिल होते हैं ये कौन सा खेती है, कितना नुकसान हुआ है, वो किसान के पास कितना खेती है, कितना जमीन है, कितना जमीन है, वो पूरे इसी में अपडेट होता है, ये लिंक्ड है खेती का अकाउंट को, उसका लैंड रिकॉर्ड को, ये लिंक्ड ऐप है, हमें पूरा स्टेट में इसको बता रहे हैं। फिर इधर कुछ नहीं हो रहे, वो मामूली किसान फसल बीमा योजना बाकी स्टेट में क्या करते हैं, कर्नाटक को छोड़िए बाकी स्टेट में क्या करते हैं, वो भी इधर नहीं कर रहे, ऐसे एक सरकार इधर है। किसान के बारे में वो बहुत बात करते हैं, ये प्रोग्राम बताया, ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम किया, वो पूरा चुनाव का भाषण है, खुद किसान का घर को क्या जा रहे है, हर घर आपका सभी को बताया मैं घर दे दूंगी, कितना लोगों का घर मिला। अभी केंद्र सरकार योजना को नीचे तक पहुंचाना किसका जिम्मेदारी है, फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम फेडरल सिस्टम में है, वो भी खेती का कृषि का पूरा काम स्टेट गवर्नमेंट देख रहा है, फिर भी हम मदद कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में हम मदद कर रहे हैं, हर प्रोग्राम को हम पैसा दिया है। आज मैंने पूछी हमारे मेरा साथ मेरा जेएस जॉइंट सेक्रेटरी भी आई थी दिल्ली से, वो पूछी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट किधर है,
आप पैसा खर्च करते हैं, हम पैसे देते हैं, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं भेज रहे हैं, क्यों नहीं भेजते आप? नहीं भेजे तो नेक्स्ट साल का पैसा नहीं आएगा। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये साल का आप भेजा तो आपका पैसा नेक्स्ट ईयर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। किसको नुकसान है? किसान को नुकसान है। इसीलिए मैंने बता रही हूँ अभी केंद्र सरकार क्या क्या योजना जारी किया है, तेलंगाना में इसको जारी करवाना, इसके लिए मैं आज मीटिंग लिया, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस को बुलाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस को बुलाया, सभी ऑफिसर्स को मैं बिठाया। अभी मुख्यमंत्री बता रहे इधर बहुत चावल हो रहे हैं, चावल को मैं क्या करूँ? मैंने आज मीटिंग में पूछी, आप कितना मार्केटिंग कर रहे हैं? चावल तो उगाते हैं बहुत दिन, पीपल आर प्रोड्यूसिंग पैडी, इवन माई स्टेट दे आर प्रोड्यूसिंग, इवन पंजाब दे आर प्रोड्यूसिंग, इवन हरियाणा दे आर प्रोड्यूसिंग, मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री आर हरियाणा एंड पंजाब, बट ये पंजाब एंड हरियाणा का किसानों बाकी देशों के लिए किधर खाने वाले बैठे हैं उसको वो चावल बेचते हैं। इधर आपका प्रोग्राम क्या है? हम ये साल में कोरोना का बाद ही कोरोना लगा है, फिर भी 305 मिलियन मेट्रिक टन हम सीरियल्स उगाए हैं। वी प्रोड्यूस्ड 305 मिलियन टन्स ऑफ सीरियल्स दिस ईयर, 326 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दिस ईयर। दिस इज हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हाईएस्ट, अभी तक कभी नहीं हुआ है। इतना खाने वाले हम नहीं है, 135 करोड़ लोगों है हम, फिर एक आके ज्यादा होते हैं हम, इसको क्या करें? उसको मार्केटिंग ही करना है ना। मार्केटिंग करने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? मैं तेलंगाना सरकार को पूछ रही हूँ, मार्केटिंग करने के लिए तेलंगाना सरकार में क्या प्रोग्राम है? आज तो मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं अपेरा का ऑफिसर्स को लाई थी, चार पूछ कर लाई थी, अपेडा के साथ वो बैठना, अपेडा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करने वाले एक संस्था है, केंद्र सरकार का कॉमर्स डिपार्टमेंट के नीचे आता है, डीजीएफटी है, डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड, उसके साथ आपका रिश्ता ही है नहीं है, एम्बेसी के साथ कुछ आप बात नहीं किया, हम तो किया है। मैंने आज सरकार मिनिस्टर को बताया, हम एम्बेसी के सभी एम्बेसी के साथ बात किया है, कौन सा देश को क्या चाहिए, कौन सा स्टेट को देश को कितना चावल चाहिए, कितना वीट चाहिए, कितना वेजिटेबल चाहिए, कितना फ्रूट चाहिए, क्या कौन सा देश क्या खाते हैं, उसका लिस्ट हमारे पास है, हमारे एम्बेसी के पास है, वो देश के लिए इंडिया से क्या चाहिए। तेलंगाना सरकार कितना इस पर रखा है, कितना लिस्ट आउट किया है? आप तो उगाते, आप नहीं उगाते, किसान उगाते, कष्ट उठाकर उगाते, इतना सूखा में बारिश नहीं है तो उगाते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग, फार्मर्स आर प्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, बट हाउ मच यू आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्शन, हाउ मच इट इज गोइंग टू अदर कंट्रीज वेयर पीपल आर रेडी टू ईट, एंड आप पेस्टिसाइड रेसिड्यू के बारे में क्या किया है? इधर 400 सीड्स कंपनीज है, सीड प्रोडक्शन करने वाले, पूरा वर्ल्ड में सीड को बहुत वो तो डिमांड है, बहुत डिमांड है, फिर इसके लिए आप कुछ नहीं किया। ये बहुत लोग आते हैं, फेक सीड बेचते हैं, किसान को नुकसान करते हैं, भाग जाते हैं, उसको कुछ रूल बनाना, क्योंकि इधर 400 सीड बनाने वाले, सीड उगाने वाले कंपनीज हैदराबाद में बैठे हैं। इसके लिए क्या प्रोग्राम है? क्या आप पूरा वर्ल्ड अभी मांग रहे हैं कि देश, हमारा देश 17% ऑफ सीड्स आर वी आर सप्लाइंग टू अदर कंट्रीज। बहुत हम कर सकते हैं इसी क्षेत्र में, हम बहुत कर सकते हैं, फिर भी गवर्नमेंट का इसी में साथ चाहिए। वो पैसा देना है, वोट खरीदना है, इसी में पड़े हैं, पैसा देना है, वोट पैसा दे दो, इलेक्शन टाइम पे वोट ले लो। किसान को मदद करने के लिए आपका प्रोग्राम क्या है मुझे बताइए।
आज तो मीटिंग में मैंने कई दिन देखा, मैंने ऑफिसर्स को बताया मैं हर महीने में वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपीडा से आपको जुड़ेंगे। किसान का इश्यू में केंद्र राज्य ऐसा नहीं है, क्योंकि हम किसान का आय को द्विगुण करना ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बताया, हमने अपना जिम्मेदारी है इसको पूरा करने का। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बताया वी हैव टू डबल द फार्मर्स इनकम, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। दैट्स वाई टुडे I instructed the Telangana officers that every month I will come with video conference and every 3 or 4 months I will come for a physical meeting to show the improvement. This is what I told in today's meeting. वो तो मैंने बहुत जगह को भी एक्सेलेंस, वो तो अच्छा, वो तो एक अच्छा जगह में सेंटर फॉर एक्सेलेंस, उधर थोड़ा सा किसान को ट्रेनिंग कर रहे हैं, उधर उसको भी देखा मैंने। फिर भी तेलंगाना गवर्नमेंट को इसी में बहुत आगे चलने वाली, इधर किसानों बहुत कष्ट उठा के उगाते हैं, मैंगोज है, देर चिल्लीज है, देर स्पेशली इन दिस एरियाज आंध्र वो तेलंगाना चिल्लीज, तेलंगाना मैंगोज, बागमपल्ली मैंगोज एंड तेलंगाना मेनी मेनी प्रोडक्शन मेनी मेनी इवन सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट We are encouraging one district, one product. And for that we are forming clusters, export clusters. But Telangana government has to come with program, come with production, not only production, processing, marketing and sending to other parts of India and other parts of the country and also to outside country. They have to plan for that. That's why today I spoke with these people and I'm very happy that even our Bandi Sanjay ji is speaking with farmers. वो रास्ते में आके आके किसानों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, बच्चे से मिल रहे हैं एंड किसानों का क्या प्रॉब्लम है, उसका कष्ट क्या है उसको पूछ रहे हैं एंड लिस्ट बना रहे हैं मुझे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको दे रहे हैं एंड इन्फॉर्म कर रहे हैं ये किसान का कष्ट है, किसान पे ऐसे करना है, ये इधर शुगर फैक्ट्री बंद हुआ है, प्रॉमिस किया है इलेक्शन टाइम पे शुगर फैक्ट्री हम तो ओपन करेंगे, अभी तक 7 साल हुआ, 7 साल में वो शुगर फैक्ट्री का ओपन करने का कुछ सोच भी नहीं है। ऐसे सरकार एक इधर बैठे है, इसीलिए इसको चेंज करना ही है, क्योंकि मोदी जी के साथ चलना है तो विकास के साथ चलना, मोदी जी है तो मोदी जी का दूसरा नाम है विकास, इसलिए तेलंगाना का विकास होना, तेलंगाना का किसान का विकास होना, किसान तेलंगाना का लोगों का विकास होना, तेलंगाना का यंगस्टर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलना, काम मिलना, इसके लिए सोचना है। इसीलिए बहुत तो अच्छा ढंग से हमारे बंडी संजय ने पदयात्रा कर रहे, सभी ऐसा प्रॉब्लम को इकट्ठा कर रहे हैं, केंद्र सरकार को क्या कहना चाहते हैं उसको वो बता रहे हैं। एज ए मेंबर आल्सो इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो इज आई थिंक तेलंगाना गवर्नमेंट एटलीस्ट नाउ शुड वेक अप, वो नींद से वापस आना, क्योंकि वो तो सीएम किसी से नहीं मिल रहे। आज मैं भी अपॉइंटमेंट मांगी थी, मुझे नहीं मिल रहे तो सादा लोगों को मिलना का बहुत मुश्किल पड़ेगा, ऐसा मुझे लगा, आज तो ऐसा लगा है मुझे। केंद्र सरकार को मिलने वाले नहीं है तो सादा फार्मर को कैसे मिलेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड ये सर इधर चल रहा है एक फैमिली का सरकार, पहले थे निजाम अभी है एक फैमिली, ऐसा एक सरकार ऐसा ऐसा मानसिक स्थिति वाले इधर बैठे है, इसीलिए कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। आपका कुछ क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। मैडम सीएम पेसी से एक प्रेस रिलीज आया, इधर रईत बंधु बताता हूं अच्छा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, बोल रहा है। हां रईत बंधु आज ही एक बात भी किसान सम्मान निधि का बारे में वो नहीं बताया, किसान सम्मान निधि को नया राम रख के ये रईत बंधु बनाया है। मैंने पहले सेंटेंस में बताया मोदी जी का ना, मोदी जी का पैसा एंड केसीआर का नाम,
ऐसा चल रहा है इधर, पैसा पूरा दिल्ली से आता है एंड इधर नया नाम डालते हैं, वही किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इधर रैत बंद हो गया, इसके थोड़ा सा पैसे दिखे। इवन कर्नाटक इज डूइंग, कर्नाटक किसान सम्मान निधि को किसान सम्मान निधि से देते हैं, राज्य सरकार इसको जुड़ के देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं, उसका ये नाम नहीं बदला, किसान सम्मान निधि किसान सम्मान निधि है, राज्य सरकार अलग दे रहे हैं, वही अकाउंट में वही दिन अलग दे रहे हैं, इधर पूरे नाम ही बदलते हैं। नहीं करा मैंने, क्यों करो, क्योंकि वो तो वो पॉलिटिक्स कुछ भी करेंगे, मैं उधर बहुत बड़ा भाषण मंत्री जी ने दिया, मैंने बताया इसको, ये भाषण देने वाला वेदिका नहीं है, ये दिस इज ऑफिशियल मीटिंग, आई केम फॉर ऑफिशियल मीटिंग एंड ऑल अदर देन मी एंड यू ऑफिशियल्स बैठे हैं, मैं भाषण पॉलिटिकल भाषण बाहर दे दूंगी, इधर नहीं, इधर केवल मैं मीटिंग करूंगी, इसके लिए मैं आई हूँ, मैं बताया मीटिंग में बताया, पूरा ऑफिशियल थी मुख्यमंत्री को, मैं नहीं दिखा तो शासन कैसे चलेगा, कोई देखा है कि लास्ट वन ईयर में केसीआर को कौन देखा है, एक किसान भी नहीं देखा, एक वर्कर भी नहीं देखा, एक महिला भी नहीं देखा, एक बच्चे भी नहीं देखा, वो गेस्ट हाउस में बैठते हैं, उधर से फैमिली रूल करते हैं, यही है, कितना दिन चलेगा इसे, कितना साल चले? किसका है, सरकार के, सरकार को होता है, बट ये सरकार नहीं है तो क्या करना, विधानसभा में सेक्रेटरी में मुख्यमंत्री नहीं मिला तो क्या करना, स्टेट का सीएम है, पानी डाले तो सुसेट करना, फार्मर की बोल रहे हैं, अब अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कैसा देखता हो सीएम का भाषण। पैडी केंद्र सरकार एमएसपी में खरीद रहे हैं, कितना चाहिए उतना खरीद रहे हैं, बाकी खरीदना है तो स्टेट गवर्नमेंट तो करना ही है, किसानों को मदद करने वाले सरकार आपको भाषण दे रहे हैं, आप खरीद लिए, इसी से ज्यादा क्या है, हम एमएसपी तो घोषित कर सकते हैं, एमएसपी में किसानों ने तो दे रहे हैं, आप भाषण दिए हम पूरा चावल खरीदेंगे, अभी क्या हो रहा है, अभी केंद्र सरकार को ऊपर डाल रहे हैं, हमको कितना चाहिए, हमारे एफसीए गोडाउन को कितना चाहिए उतना हम खरीदेंगे, खरीद लिया भी, इधर भी खरीद लिया, हम आपको आंकड़ा दे सकते, ले सकते हैं।